नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इंडक्शन चलाना सिखाएंगे। यदि आप ये इंडक्शन चलाना सीख गए तो आप किसी भी कंपनी का इंडक्शन आसानी से चला सकते हैं। सभी इंडक्शन में इस तरीके से आप देख सकते हैं बटन दी गई होती हैं, तो इन बटनों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप बटनों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक आप इंडक्शन चलाना नहीं सीख पाएंगे। तो आज हम इंडक्शन चलाने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंडक्शन चलाने के लिए हम सबसे पहले प्लग को बोर्ड में लगा देंगे, यानी कि इंडक्शन के प्लग को लाइट से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद बटन को ऑन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा इंडक्शन ऑन हो चुका है। अभी पूरी तरीके से इंडक्शन ऑन नहीं हुआ है। जब तक हम ये ऑन और ऑफ वाली बटन नहीं दबाएंगे तब तक इंडक्शन ऑन नहीं की होगा। बटन दी गई होगी। इंडक्शन को ऑन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑन ऑफ की बटन दी गई है, इसे हमें प्रेस करना होगा। अब हमारा इंडक्शन ऑन हो चुका है। अब हम इस पे एक बर्तन रखेंगे, बर्तन में हम पानी रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा भगोना लिया है, इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसे रख देंगे और इस गोले पर ही भगोने को रखना है। जब तक ये गोले के अंदर में कोई बर्तन नहीं रहेगा तब तक गर्म नहीं होगा। तो अब ये हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किचन के हर काम के लिए इंडक्शन में बटन दी गई हैं। तो सबसे पहले बटन बॉयल, यदि आप कोई चीज़ उबालने के लिए रख रहे हैं तो इस बटन को क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लेगा। और दूसरा है फ्राई, यदि आप फ्राई करने के लिए रख रहे हैं कुछ तो वो भी टेम्परेचर सेट कर लेगा। ये करी बनाने के लिए है और ये रोटी या डोसा बनाने के लिए है और ये इडली बनाने के लिए है। और ये मिल्क या टी यानी कि चाय या दूध गर्म करने के लिए यदि आप रखते हैं तो इस बटन को क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप टेम्परेचर सेट कर लेगा और ये मैनुअल है। तो इस तरीके से आप इंडक्शन चलाना सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पानी उबल रहा है। इंडक्शन पर किसी भी पकवान को हम गैस की तुलना में जल्दी पका सकते हैं। किसी भी इंडक्शन में ये दो बटन होती हैं, प्लस और माइनस। प्लस के बटन को दबाने पर ये टेम्परेचर हाई किया जाता है और माइनस के बटन को दबाने पर टेम्परेचर लो किया जाता है। यदि आपको जल्दी पानी गर्म करना है तो प्लस के बटन को दबाकर टेम्परेचर को हाई कर लें और पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा। यदि आपको कम टेम्परेचर की ज़रूरत है तो आप माइनस के बटन को दबाकर टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। प्लस वाले बटन को दबाने पर टेम्परेचर हाई होगा और माइनस से लो होगा। इस तरीके से आप इंडक्शन में टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पानी उबल चुका है। हम अब इंडक्शन को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए ऑन और ऑफ वाली बटन को दबा देंगे तो हमारा इंडक्शन बंद हो गया। यहाँ से इंडक्शन बंद करने के बाद तब हम प्लग से बंद करेंगे। अब हमारा इंडक्शन अच्छी तरीके से बंद हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडक्शन चलाना आ गया हो। यदि कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। इंडक्शन के बारे में अभी और जानकारी दूसरे वीडियो में देंगे। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।